নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এইবাৰ পুনৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত পুনৰ মোদী চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সমগ্ৰ অসমতে আমি দেখিছোঁ যে মোদী মই হৈছে সমগ্ৰ অসমতে দেখিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম গণ পৰিষদ গণশক্তিকে আদি কৰি ৰাভা যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিকে আদি কৰি সকলো প্ৰাৰ্থীক জয়যুক্ত কৰাবলৈ ইতিমধ্যে ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফৰ যি মিত্ৰতা খন্তেক আগতে ভৱেন বৰালি ডাঙৰীয়া কৈছিল যে এটা সময়ত কংগ্ৰেছে কৈছিলে হুইজ বদৰুদ্দিন আৰু সেই নীলাশ কংগ্ৰেছে আজিকালি কয় যে বদৰুদ্দিন ইজ আউৰ পাৰ্টনাৰ আজি সেই বদৰুদিনক পাৰ্টনাৰ কৰি ৰোৱাৰ ফৰ স্বৰূপে আগন্তুক দিনত কি ভয়াৱহ পৰিৱেশ আহিব পাৰে সেই কথা হয়তো কংগ্ৰেছে ভাবি চোৱা নাই আমি দেখিছোঁ অসমত পশ্চিম অঞ্চলত আজি যদি খিলঞ্জীয়াসকলে যদি ৰাজনৈতিক ক্ষমতা হেৰাই পেলাইছে তাৰ কাৰণে মূলগত দায়ী হৈছে আজি কংগ্ৰেছ দল আৰু সেই কংগ্ৰেছ দলে এতিয়া ইউ ডি এফক আঁকোৱি লোৱাৰ ফলস্বৰূপে আজি আমি দেখিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি খিলঞ্জীয়াসকলে ভূমিপুত্ৰসকলে আমি নিজৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা হেৰাইছোঁ আমি অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা হেৰাইছোঁ আমি সামাজিক ক্ষমতা হেৰাইছোঁ সেয়েহে মই সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাইছোঁ যে কোনো কাৰণতে ভুলতো যাতে কংগ্ৰেছত যাতে এটা ভোট যাতে নপৰে অসমত কাৰণ এই কংগ্ৰেছ দলে হ'ল আমাৰ দুৰ্যোগ অনা মূল দল আৰু এই দলে হৈছে মিত্ৰ হিচাপে লৈছে ইউ ডি এফ দলক যি ইউ ডি এফ দলে নেকি বিদেশীক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে মই শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজসকলক মই মোৰ সৰ্ব নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমি যিহেতু কথা শুনিম মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সেয়েহে মই সকলো ৰাইজকে পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধা জনাই পেলাই মই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া भारत माता की भारत माता की भारत माता की जो कलु राइज मोर नमस्कार जनईश लोग जो कलुए शिन मैं कल दोपहर को ही असम आ गया था चब्वा में रैली थी फिर जोरहाट गया वहां बहुत से लोगों से मिलना भी हो गया और नॉर्थ ईस्ट की सुबह उसका तो अपना ही एक आनंद होता है एक अलग ही अनुभव होता है और आज मैं अभी आपके सामने या बोकाघाट में आपके आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं इस दौरान असम के लोगों का जो स्नेह मिला जो आशीर्वाद मिले ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है बहुत बड़ी प्रेरणा है ये अपने आप में अद्भुत अनुभूति है यहाँ भी आप इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को एनडीए को हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और इसलिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अब तय हो गया है असम में दूसरी बार बीजेपी सरकार असम में दूसरी बार एनडीए सरकार असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार भाइयों और बहनों बोकाखाट सहित ये पूरा क्षेत्र ये अपने आप में शिव और शक्ति का केंद्र है यहाँ माता अपने अलग अलग स्वरूपों में वास करती है काको गोसानी थान बूढ़ी थान बाबा थान ऐसे पावन स्थलों का बंधन करते हुए मैंने यहां माताओं बहनों से परिवर्तन का आग्रह किया था माताओं बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और भाजपा के नेतृत्व में असम में एनडीए की सरकार सुनिश्चित की आज मैं यहाँ बैठी हमारी सभी माताओं को बहनों को बेटियों को आदरपूर्वक नमन के साथ कहना चाहता हूं कि आपने जिन जिम्मेदारी के साथ जिस उम्मीदों के साथ बीजेपी की सरकार चुनी थी उसे पूरा करने के लिए हमने जी जान से मेहनत की है एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने टॉयलेट हो एलपीजी गैस हो बिजली हो मुफ्त इलाज हो ऐसी अनेक सुविधाएं आप तक पहुंचाई है अब हर घर जल पहुंचाने के लिए हम पूरी ईमानदारी से पूरी ताकत से जुटे हैं कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने बहनों के जनधन खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए सीधे भेजे गैस सिलेंडर मुफ्त दिए ताकि आपको घर चलाने में असुविधा कम से कम हो साथियों कांग्रेस राज में असम के सामने सवाल था कि असम को लूटने से कैसे बचाएं ये सवाल था कि नहीं था असम को लूटने से कैसे बचाएं ये कांग्रेस के समय हर असमिया के मुंह से निकलता था एनडीए के सेवा काल में आज असम पूरे सामर्थ्य के साथ नई बुलंदियां छूने के लिए आगे बढ़ रहा है कांग्रेस राज में सवाल था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच आपस में कनेक्टिविटी कैसे बढ़े एनडीए के सेवा काल में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पुल बन रहे हैं पुराने अधूरे पुलों को पूरा किया जा रहा है कांग्रेस के राज में सवाल था दशकों से अशांत चल रहे असम में कभी शांति आएगी क्या आएगी या नहीं आएगी एनडीए के सेवा काल में आज असम में शांति स्थापित हुई है और स्थिरता भी आई है कांग्रेस के राज में एक और सवाल था कि असम और देश की शान यहाँ राइनों को कांग्रेस द्वारा पाले पोसे शिकारी गिरों से कैसे बचाया जाएगा मुझे बताइए तो राइनों को बचाना ये सवाल था कि नहीं था हम सबकी तो चिंता का विषय था नहीं था मैं जब जब इस क्षेत्र में आया इस विषय की चर्चा हुई कि नहीं हुई यहाँ भाजपा के एनडीए की सरकार ने राइनों के दुश्मन शिकारियों को जेल के पीछे पहुंचाया है कांग्रेस जिन अवैध कब्जाधारियों को प्रोत्साहन देती थी उनसे भी काजीरंगा को मुक्त कर दिया है साथियों हमारी सरकार जानवरों की सुरक्षा और सामान्य मानवीय की सुविधा दोनों को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है और इसलिए गोपुर से नुमालीगढ़ के लिए ब्रह्मपुत्र के ऊपर ब्रिज और बायपास बनाकर कनेक्टिविटी देने का प्रयास चल रहा है इससे अपर आसाम की गुवाहाटी के साथ फोर लेन कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी भाई और बहनों काजीरंगा सहित हमारे तमाम अभ्यारण्य हमारे वन क्षेत्र हमारी धरोहर भी है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है और रोजी रोटी का साधन भी है मुझे खुशी है कि बीते पांच साल में असम में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है जब असम ज्यादा हर हरा भरा हरा भरा होता है तो यहाँ टूरिज्म के लिए रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ जाती है हमारी सरकार की कोशिश है कि भारत दुनिया में प्राकृतिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक और धरोहरों से जुड़े टूरिज्म से अग्रणी देशों में शामिल हो जाए असम के पास ये सब कुछ मौजूद है असम की भाषा बोली संस्कृति खान पान वेशभूषा असम के मेले त्योहार ये सब ये सब हर हिंदुस्तानी का गर्व है हर हिंदुस्तानी को अभिमान करना चाहिए ऐसी विरासत आपके पास है